नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल यूके 24 न्यूज में स्वागत है। कारोबारी से 35 लाख की धोखाधड़ी मामले में मुकदमा दर्ज, चरस तस्कर गिरफ्तार। सीकर थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। क्षेत्र के एक थोक कारोबारी से 35.10 लाख रुपए की रकम हड़प ली गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरे मामले में ज्वालापुर पुलिस ने एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। श्रद्धालुओं के लिए परिवहन विभाग ने जारी किया डूज एंड डोंट्स। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो रही है, जिसके दृष्टिगत चारधाम से संबंधित सभी विभाग व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने की कवायद में जुटे हैं। इसी क्रम में परिवहन विभाग ने चारधाम यात्रा पर जाने वाली वाहनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल चारधाम यात्रा के दृष्टिगत परिवहन विभाग ने देहरादून RTO को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। लिहाजा नोडल अधिकारी ने चारधाम यात्रा के लिए क्या करें और क्या न करें संबंधित सुझाव दिए हैं। इसके साथ ही चारधाम यात्रा की तैयारियों के दृष्टिगत देहरादून RTO शैलेश तिवारी ने चारधाम यात्रा मार्ग पर आने वाले यात्रियों की सुविधा संबंधित आवश्यक दिशा निर्देशों और सुझावों के लिए क्या करें और क्या न करें के बैनर्स होर्डिंग्स भी तैयार किए गए हैं, जिससे यात्रा शुरू होने से पहले सभी चेक पोस्टों, परिवहन कार्यालय, प्रमुख स्थानों यथा बस अड्डों, संयुक्त रोटेशन, रेलवे स्टेशन आदि पर इसकी सूचना के बोर्ड लगाए जाएंगे। चारधाम यात्रा के लिए क्या करें संबंधित सुझाव। चारधाम यात्रा के लिए अनिवार्य रूप से यात्री पंजीकरण कराएं और ट्रिप कार्ड अवश्य लें। व्यावसायिक वाहन ग्रीन कार्ड प्राप्त कर ही यात्रा में जाएं। व्यावसायिक वाहनों के लिए पर्वतीय मार्गों पर संचालन के लिए चालक के लाइसेंस में पर्वतीय मार्गों का अनिवार्य रूट से पृष्ठांकन कराएं। पर्वतीय मार्गों पर 4225 मिलीमीटर से अधिक व्हील बेस के साथ प्रतिशत से अधिक ओवरहैंग एवं 250 सेंटीमीटर से अधिक चौड़ाई की वाहन का संचालन अनुमन्य नहीं है। वाहन में फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, रस्सी आदि अवश्य रखें। पर्वतीय मार्गों पर वाहन का तकनीकी रूप से ठीक होना आवश्यक है। यात्रा से पूर्व वाहन के ब्रेक, गियर, टायर, स्टेयरिंग की भलीभांति जांच कर लें। वाहन में सदैव सभी वैध प्रपत्र रखें। पर्वतीय मार्गों पर मोड़ पर हॉर्न अवश्य दें और अपनी लेन पर ही चलें। वाहन को सुरक्षित स्थान पर ही पार्क करें एवं पार्क करते समय हैंड ब्रेक एवं लकड़ी का गुटका अवश्य लगाएं। पहाड़ी मार्गों पर मौसम खराब होने, भूस्खलन होने संबंधित प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। यात्रा प्रारंभ करते समय एवं वापसी में यात्रा चेक पोस्ट पर वाहन का प्रविष्ट अवश्य कराएं। वाहन में कूड़ा रखे जाने हेतु कूड़ेदान का प्रयोग करें। यात्रा मार्गों पर गंदगी न हो उसके लिए उपलब्ध शौचालयों का ही प्रयोग करें। यात्रा के दौरान यात्रा का पूर्ण आनंद लेते हुए जगह जगह विश्राम करते हुए यात्रा करें और लगातार ड्राइव न करें। चारधाम यात्रा के दौरान क्या न करें संबंधित सुझाव। प्राइवेट वाहनों को किराए पर लेकर यात्रा न करें। यात्रा निर्धारित समय अवधि में पूर्ण करें। यात्रा के दौरान जल्दबाजी न करें। तेज गति से वाहन न चलाएं और बीच बीच में विश्राम करें। वाहन में ज्वलनशील पदार्थ, पेट्रोल, डीजल एवं गैस सिलेंडर न ले जाएं। नशे का सेवन कर वाहन न चलाएं। यात्रा मार्गों पर कूड़ा गंदगी न फैलाएं और वाहन में कूड़ेदान लगाएं। वाहन चलाते समय टेप रिकॉर्डर, गाने या रेडियो का संचालन न करें। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन प्रयोग न करें। यात्रा मार्गों पर रात्रि में वाहन का संचालन कदापि न करें। चप्पल पहनकर वाहन न चलाएं। वाहन में चालक के पास अनावश्यक सामान या पानी की बोतल आदि न रखें। यात्रा के दौरान चालक से बातचीत या नोकझोंक न करें। वाहन में ओवरलोडिंग न करें और वाहन में घिसे हुए या रिट्रेटेड टायरों का प्रयोग न करें। पर्वतीय मार्गों पर अनावश्यक ओवरटेक न करें। आवश्यक होने पर आगे जाने वाले वाहन के संकेत मिलने पर ही पर्याप्त स्थान मिलने पर ही ओवरटेक करें। खुले में शौच न करें और यात्रा मार्गों पर स्थापित शौचालय का प्रयोग करें। चोरी की घटनाओं में शामिल 6 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी के 3 अलग मामलों को अंजाम देने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का सामान बरामद कर लिया है। लक्सर कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि लक्सर की लोको कॉलोनी निवासी प्रखर श्रीवास्तव 18 फरवरी को अपने घर से कहीं बाहर गए हुए थे। इसी बीच अज्ञात चोरों ने घर में लगी LED चोरी कर ली। 22 फरवरी को घर वापस लौटने पर उसे चोरी की जानकारी हुई, जिस पर उन्होंने मामले में कार्रवाई को लेकर पुलिस को तहरीर दी गई थी। बच्चों को अब मिलेगी झंगोरे की खीर। श्रीनगर में अक्षय पात्र की केंद्रीय कृत किचन को मंजूरी। उत्तराखंड खान पान की पहचान झंगोरे की खीर को अब मिड डे मील में शामिल किया जाएगा। उत्तराखंड में स्कूली शिक्षा के दौरान बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ पोषण दिए जाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्य सचिव डॉक्टर SS सिंधु ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की क्रियान्वयन समिति की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को विद्यालयों में विभिन्न पोषण बेहतर करने से जुड़े कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए। हरिद्वार में अपहरणकर्ता गिरफ्तार। पौड़ी में नाबालिग से दुष्कर्म। धनवागढ़ हरिद्वार में नाबालिग लड़की के गायब होने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया है। हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र से बीते सप्ताह लापता हुई नाबालिग लड़की को न केवल पुलिस ने बरामद कर लिया बल्कि मामले में युवक को भी गिरफ्तार किया है।
चारधाम रोड पर तैनात होंगे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और फैकल्टी। बॉन्ड तोड़ने पर 2.5 करोड़ का जुर्माना। उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने वाले MBBS स्टूडेंट को अब बॉन्ड तोड़ना भारी पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने अब ऐसे डॉक्टरों पर नकेल कसने की तैयारी में है जो बॉन्ड भरने के बावजूद पहाड़ों में अपनी सेवा नहीं देते हैं। इस बार बॉन्ड तोड़ने पर MBBS छात्रों को 2.5 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा। ऐसे में अब डॉक्टर बॉन्ड तोड़ने से पहले 100 बार सोचेंगे। सोमेश्वर में गहरी खाई में गिरी कार, 2 लोग जख्मी। 25 कांटली सड़क में देर शाम एक कार 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार शिक्षक दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर उन्हें खाई से बाहर निकाला और वाहन के जरिए PHC कौसानी भेजा, जहां से महिला को हेल्थ सेंटर रेफर कर दिया गया है, जबकि उनके पति को उपचार PHC में चल रहा है। फिलहाल हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है। ऋषिकेश में श्रीदेव सुमन कैंपस का होगा कायाकल्प, ये कोर्स भी होंगे शुरू। एम्स रोड पर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की खाली पड़ी भूमि का जल्दी कायाकल्प होने की उम्मीद है। विश्वविद्यालय के कुलपति ने भूमि का निरीक्षण किया। प्रशासन ने खाली पड़ी भूमि पर विश्वविद्यालय की आवासीय कॉलोनी, गेस्ट हाउस और अन्य बिल्डिंग तैयार कर विश्वविद्यालय से संचालित होने वाले LLB जैसे कई कोर्स शुरू करने की योजना बनाई है। राजस्व वसूली में शिथिलता पर बरसे आबकारी सचिव, लापरवाह अधिकारियों की एडवांस्ड एंट्री के निर्देश। उत्तराखंड में आबकारी विभाग यूं तो कई मामलों को लेकर विवादों में रहा है, लेकिन इस बार रेवेन्यू वसूली को लेकर विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में। बड़ी बात यह है कि तमाम समीक्षा बैठकों के दौरान वसूली न कर पाने को लेकर स्थितियां सामने आ रही हैं, इसके बावजूद इसमें सुधार नहीं हो पा रहा है। इसी को देखते हुए उधमसिंह नगर और पिथौरागढ़ जिले के जिला आबकारी अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए गए हैं। नैनीताल फूड वैन मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, DM ने कोर्ट में पेश होकर दिया जवाब। जिले के भवाली, हल्द्वानी और कालाडूंगी में लगाए जा रहे फूड वैनों के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति शरद कुमार वर्मा और न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की खंडपीठ ने नैनीताल DM और EO नगर पालिका को निर्देश दिए कि इस नियमावली के तहत इन्हें लाइसेंस दिया गया है, इनके लाइसेंसों की जाँच कर 2 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। अल्मोड़ा CEO पर गिरी गाज, ABVP कार्यक्रम में छात्र शामिल होने का दिया था आदेश। 16 फरवरी को अल्मोड़ा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में सरकारी स्कूलों के छात्रों को शामिल हो मुख्य शिक्षा अधिकारी सत्य नारायण ने आदेश दिए थे। CEO के आदेश का पत्र वायरल होने के बाद ही मामला तूल पकड़ता जा रहा था, जिसको लेकर विपक्ष ने भी सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी। मामले का संज्ञान लेते हुए शिक्षा मंत्री धनसिंह रावत ने मुख्य शिक्षा अधिकारी सत्य नारायण को हटा दिया है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर जमी कई फीट बर्फ, ग्लेशियरों को काटकर खोला जा रहा रास्ता। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम की यात्रा तैयारियां शुरू हो गई है। इसी कड़ी में केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ को हटाने का काम चल रहा है। केदारनाथ धाम से लेकर लिनचोली तक पैदल मार्ग बर्फ से ढका है। कई जगहों पर ग्लेशियर काटकर पैदल मार्ग तैयार किया जा रहा है। इन दिनों 25 के करीब मजदूर बर्फ हटाने का कार्य कर रहे हैं। सभी जिलों में प्री बर्थ वेटिंग होम की सुविधा, गर्भवतियों को मिली सहूलियत। उत्तराखंड के सभी जिलों में अब गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पहले बर्थ वेटिंग होम की सुविधा मिलेगी। अभी तक सिर्फ देहरादून और हरिद्वार में गर्भवतियों के लिए बर्थ वेटिंग होम की सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब प्रदेश के सभी जिलों में मौजूद वन स्टॉप सेंटर को प्री बर्थ वेटिंग होम के रूप में डेवलप किया जाएगा, जिससे गर्भवती महिलाओं को न सिर्फ काफी सहूलियत मिलेगी बल्कि निःशुल्क प्रसव से पूर्व गर्भवतियों को रुकने की सुविधा मिलेगी। चोरी की 13 बाइकों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, कोटद्वार में स्मैक तस्कर अरेस्ट। दिनेशपुर थाना पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी की 13 बाइकें भी बरामद की गई हैं। आरोपी के खिलाफ पहले से ही थाना गदरपुर में कई मुकदमे दर्ज हैं, जिन्हें पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। वहीं कोटद्वार में पुलिस ने स्मैक के साथ युवक को दबोचा है। जोशीमठ में चोरों ने ढूंढा आपदा पर अवसर, 2 आरोपी गिरफ्तार। एक तरफ जोशीमठ दरार और भूदसाव से करार रहा है, तो दूसरी तरफ लोगों को अपनी आशाएं छोड़कर मजबूरन सुरक्षित स्थानों की शरण लेनी पड़ी है, लेकिन इन सब के बीच चोरों को आपदा में अवसर मिल गया है। जी हां, पुलिस ने असुरक्षित घरों से बिजली की लाइन के तार, स्विच बोर्ड से लेकर पानी की टोटी और घरेलू सामग्री को चोरी करने के मामले में नेपाली मूल के 2 मजदूरों को गिरफ्तार किया है। अब कोर्ट के आदेश पर उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जिला कारागार भेज दिया गया है। अल्मोड़ा CEO के लेटर पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, ABVP कार्यक्रम में स्कूली छात्रों को शामिल होने का दिया था आदेश। क्या भारतीय जनता पार्टी सरकारी स्कूलों के बच्चों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है? क्या अल्मोड़ा के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने सबको जानते हुए भी सरकारी स्कूलों को आदेश दिए कि वह ABVP के कार्यक्रम में बच्चों को भेजे? उत्तराखंड कांग्रेस ने भाजपा पर इसी तरह के कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। हत्यारिन पत्नी और उसके प्रेमी को उम्र कैद की सजा, 2018 में की थी पति की हत्या। पति की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी पत्नी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये फैसला चमोली जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी की कोर्ट ने सुनाई है। कोर्ट ने दोषी महिला पर 10,000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर महिला को 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इसके अलावा महिला के प्रेमी को भी कोर्ट ने दोषी माना है, उसे भी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।
3200 रुपए के लिए दोस्त ने की थी हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। सरकुल थाना क्षेत्र में करीब हफ्ता भर पहले मिली अज्ञात लाश के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतक का शिनाख्त पॉपिन के रूप में हुई है। वहीं पुलिस के मुताबिक पॉपिन का हत्यारा कोई नहीं बल्कि उसका ही दोस्त निकला, जिसने 3200 रुपए के लिए पॉपिन की हत्या की थी। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हेल्थ सिस्टम पर हाईकोर्ट की नाराजगी, का हॉस्पिटल में पट्टी बनवाने के दिए थे 700 रुपए, डीजी हेल्थ से मांगी रिपोर्ट। उत्तराखंड में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर हाईकोर्ट ने फिर नाराजगी जताई है। इस बार हाईकोर्ट ने नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल में अल्ट्रासाउंड समेत अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के मामले में मिली शिकायतों का स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए डीजी हेल्थ को लापरवाह अधिकारियों की रिपोर्ट तैयार करने को कहा है, साथ ही रिपोर्ट को 3 हफ्ते के भीतर पेश करने की मोहलत दी है। प्रख्यात संस्कृति कर्मी प्रोफेसर दाताराम पुरोहित को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। विज्ञान भवन नई दिल्ली में कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2019-20 और 21 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। उत्तराखंड से प्रख्यात संस्कृति कर्मी और शिक्षाविद प्रोफेसर दाताराम पुरोहित को साल 2021 के लिए सम्मान दिया गया है। प्रोफेसर पुरोहित उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ ही लोक कलाकारों के संवर्धन के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।